Hello and welcome to you all. You are watching Go With Trend, and today we are going to studying continue on the Python programming language, the session we have worked on last session. So we have just Python recursion theory video, theory lesson on the recursion in Python. So today we are going to do the practical demo of that in today's session. So watch the video till the end to understand the basics of the recursion, how it has been done, and the example of the recursion, so you can also perform in your PCs or in your coding things. So you can getting learn how to do recursion in Python. So let's get started. So what I'm doing here, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे एक function create करूँगी def fact नाम से. Def is a function header, remember that. Def हमारा function header होता है जिसको हम use करेंगे function के creation के लिए. Then मैंने यहाँ पे function का name लिया है fact लिया है. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन में आर्गुमेंट लिया है, आर्गुमेंट के मैंने यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लिया, उसमें मैंने आर्गुमेंट लिया है एक्स नेम का. देन मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया है एंडिंग द स्टेटमेंट दैट आई एम बीन वर्किंग ऑन. देन मैंने इस पर एंटर की प्रेस कर दिया है एंड आई एम राइटिंग द कंडीशन. वो कंडीशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कंडीशन मेरे को चाहिए कि जिसके ऊपर मेरा ये प्रोग्राम वर्क करे. सो यहाँ मैंने फंक्शन ले लिया है फैक्ट नाम का, और मैंने यहाँ पे एक इफ नाम से मैंने कंडीशन बनाई है. इफ़ एक्स इज डबल इक्वल्स टू वन, सो व्हाट इट डस मीन कि जब मेरे पास एक्स के वैल्यू वन होगी, ओके, जब मेरी एक्स के वैल्यू वन होगी तो मेरे पास क्या रिटर्न होके आएगा, मेरे पास रिटर्न होके आएगा वन, रिटर्न वन, वन रिटर्न होके आएगा. अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू वन नहीं होती है, बाय द चांस हमने कोई ऐसी वैल्यू लिखी है जिसकी वैल्यू वन के इक्वल नहीं हो रही है, देन क्या करेंगे हम, देन हमारा लूप हम आ जाएंगे एल्स की तरफ, हम एल्स कंडीशन की तरफ आ जाएंगे. एंड तब क्या ऑपरेशन होगा वो आगे लिखने वाली हूँ मैं. आगे है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है एक्स जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था. अब रिकर्शन का बेसिक प्रोसेस स्टेप हमारा इसी लाइन नंबर 5 में हो रहा है. हमने ऊपर में पहले फंक्शन क्रिएशन किया, अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद इन द फंक्शन. एक बात याद रखना कि मैंने फंक्शन को एल्स पार्ट के नीचे लिखा है. अगर मैं ये फंक्शन क्रिएशन आफ्टर फ्रॉम द इंडेंटेशन जहाँ से मैंने डेफ लिखा है उसके पैरेलल अगर मैं लिखती कहीं से फंक्शन कॉल करती तो फंक्शन कॉलिंग नहीं होता. वो क्या होता हमारे पास, वो होता कि मैंने फंक्शन कॉल किया है आउटसाइड द फंक्शन. लेकिन क्यों रिकर्शन में हम क्या करते हैं, हम रिकर्शन में करते हैं फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन के अंदर में ही. सो डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ फंक्शन इन इटसेल्फ इज द रिकर्शन. सो हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे रिकर्शन क्रिएट, हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया है, और अब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर लाइन वाली, फिफ्थ वाली लाइन में. सो रिटर्न एक्स एस्ट्रिक इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. देन यहाँ मैं लिखूँगी फैक्ट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर में हम लिखेंगे एक्स, देन माइनस वन. सो इट इज़ अ लाइन दैट इज़ यूज फॉर द रिकर्शन. यहाँ पे मैंने रिकर्शन का प्रोसेस का कंप्लीट कर लिया है, यहाँ मैंने अपने फंक्शन को क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे कॉलिंग भी कर लिया हमने. अब हमें क्या करना है, अब हमें बस ये करना है कि हमें अपना एक नंबर चूज करना है और हमें उसका रिजल्ट प्रिंट कराना है. तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया है एनयूएम इक्वल्स टू, यहाँ मैंने एक नंबर ले लिया है 3, जिसपे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था. अब मैं यहाँ प्रिंट करा रही हूँ अपने आउटपुट को. मैं अगर इतना रन करा लूँ तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज मैं कुछ प्रिंट नहीं करा रही हूँ अभी. मैं प्रिंट करा रही हूँ अपने रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए. मैंने ये लिखा यहाँ पे प्रिंट देन फैक्ट, fact देन num. सो क्या होगा यहाँ पे, मेरे पास फैक्ट फंक्शन हमारा ये वाला कॉल किया जाएगा जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है और कॉल किया है. नम में हमारे पास 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा. सो अभी हम देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन जो भी हमने लाइन ऑफ कोड्स लिखी है 7 लाइन ऑफ कोड्स, वो रन होता है या नहीं, सजेस्ट सी. सो यहाँ हमें आउटपुट मिल गया है, दैट इज 6 इज अ आउटपुट. हाउ इट विल बी गेटिंग, हमने कैसे मिला, हमें किस तरीके से मिला, इसका प्रोसेस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, बट मैं आज फिर एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको ये याद हो जाए. सो यहाँ पे आउटपुट आ गया है, मेरा आउटपुट है 6 एंड प्रोग्राम मेरा यहाँ फिनिश हो गया है. सो यहाँ आप मैं क्या करूँगी, यहाँ आपको मैं चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे आके. देखो एक्स की वैल्यू अभी लॉजिकली हम समझेंगे, अभी तो हमने आउटपुट देख लिया हमारा आउटपुट क्या आया, अब हम बात आते हैं लॉजिकली समझने की. अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू, एक्स इज 3, ओके, एक्स इज 3 हियर,
थ्री इज इक्वल्स इक्वल्स टू वन, क्या थ्री इक्वल्स है वन के? नहीं है इक्वल, तो हमारे पास थर्ड रिटर्न वाली स्टेटमेंट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू वन के इक्वल नहीं हो रही है, तो हमें पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं मिलेगी। देन हम आएंगे एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट में क्या हो रहा है, एक्स इंटू फैक्ट एक्स माइनस वन, तो एक्स क्या हमारे पास, एक्स है हमारा थ्री, थ्री इंटू फैक्ट थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन इज टू एंड थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स। सो दिस इज हाउ वी गेट द आउटपुट सिक्स एज अ फैक्टोरियल ऑफ थ्री। सो ये था हमारा थ्री का फैक्टोरियल जो हमने इस तरीके से गेट किया। एक और दूसरा तरीका समझने का, वो थोड़ा टिपिकल है बट वी हम जनरली समझते हैं इन चीज़ों को अपने इस नॉर्मल जो फंक्शन वन जो तरीका मैंने बताया है अभी, ये बहुत ईजी वे है समझना, अभी हद तक हमने समझा इस तरीके से। इससे पहले एक और तरीका होता है कि अभी हमारे पास x की वैल्यू टू हो गई है, ओके, x माइनस वन क्या, हमारे पास x की वैल्यू टू हो गई है, पहले थ्री थी देन टू हो गई है। अब हम x को वन के इक्वल करेंगे टू गेट द आउटपुट बाई एडिंग देम टू। हम जब भी टेबल्स को रीड करते हैं, हम जब भी टेबल पे वर्क करते हैं, जैसे कि हम अपने टू वन से टू, टू टू से फोर, टू थ्री से सिक्स वगैरह पढ़ते हैं हम टेबल्स, ये तो हम एडिशन करके भी फाइंड आउट करते हैं। जब हमें कोई टेबल नहीं याद होती हम एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, तो सेम थिंग हम फैक्टोरियल यहाँ पे एडिशन के थ्रू भी फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर। सो मेरे पास पहले एक्स की वैल्यू थी थ्री, कीप इट असाइड, हमने थ्री को असाइड कर लिया। देन हमने जब एक्स को माइनस किया वन से, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो गई यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ वैल्यू हो गई है x की टू, ओके, तो मेरे पास यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई है, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई टू। अब मैं ये दोबारा आऊँगी, x की वैल्यू टू हो जाएगी, टू इक्वल इक्वल्स टू वन नहीं है इक्वल्स के बन की, तो हमारा इफ पार्ट नहीं रन होगा। देन हम आ जाएंगे एस पार्ट पे, एस में टू इंटू फैक्ट टू माइनस वन, टू इंटू टू माइनस वन वन, टू पंच टू। सो अब मेरे पास यहाँ पे आउटपुट हो, अब मेरे पास यहाँ पे नंबर हो गया है टू, मतलब मुझे मल्टीप्लिकेशन करने पे तो टू मिल रहा है, बट बाय एडिशन मुझे, बट बाय सब्ट्रैक्शन मुझे क्या मिला है यहाँ पे, मुझे मिला है यहाँ वन। सो अगर हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, थ्री टू एंड वन, सो अगर जब हम ऐड करेंगे थ्री प्लस टू प्लस वन, हमें तब भी सिक्स मिलेगा, और हमने जब मल्टीप्लिकेशन जब फंक्शन के थ्रू फॉलो किया तो भी हमें सिक्स मिला। सो बाय लॉजिकली ऑफ दीज टू थिंग्स हमें सिक्स ही मिल रहा है एज अ आउटपुट। सो ये हमारा है कि हमारा फैक्टोरियल सिक्स निकला है थ्री का। आप यहाँ पे नंबर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दिया है फाइव, एंड सी हमें आउटपुट मिला है ये 120। इट मीन्स दैट द फैक्टोरियल ऑफ द फाइव इज 120। सेम थिंग हमने यहाँ पे फिर कुछ और नंबर लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ फोर, ओके, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी नंबर टू, टू लिख देते हैं, हमें मिल जाएगा टू। देन हमने यहाँ पे लिखा है अब फोर, देन हमें मिल गया है 24। सो कुछ इस तरीके से हमारा रिकर्शन वर्क करता है हमारे प्रोग्राम्स में। अभी मैंने आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन कर दी है कि एक लाइन में हमारे ये पर्टिकुलर वर्ड लिखा है तो उसका क्या मीनिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है कि हमने ये लिखा है ये क्यों नहीं लिखा, देन यू कैन एक्सप्लेन मी इन द कमेंट्स सो दैट मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। लुक, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, इट मीन्स दैट यू हैव टू गिव फीडबैक to me so that I can improve it if it is be wrong। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या ज़रूरी है उसके लिए, आप बस एक बार बता दूँ ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ें कंटेंट लेके आ सकूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। क्योंकि ये यहाँ पे चैनल इज़ फॉर यू नॉट फॉर मी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट द फीडबैक्स ऑफ योर्स एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। अपना फीडबैक ज़रूर देना ताकि मुझे अश्योरेंस हो दैट कि मेरा पढ़ाया हुआ एटलीस्ट किसी के काम तो आ रहा है, मीन्स दैट समवन इज़ गेटिंग लर्निंग फ्रॉम समथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर रिकर्शन, ओके। सो टुडे वी हैव सीन द एग्जांपल, जो आप यहाँ आपको एग्जांपल मैंने इस पर लगा के दिखाया है, तो हमारा आज का ये एग्जांपल था जिस पे हमने वर्क किया है। देन वी विल बी वर्किंग ऑन द अदर फंक्शंस अदर कॉन्सेप्ट्स टू, सो स्टे ट्यून्ड विद द गोविट ट्रेन टू एंड लर्न पाइथन विद गोविट ट्रेन एंड For getting attached with the group discussions topic, you will also be invited for that. Previously, I have uploaded a video on the why campus placement is important and why, what it was and how the process is being started. So, if you have a doubt on that too, then you can comment in any way, in any form here. So, that's it for today. Stay safe, stay at home and keep learning Python with GoBitTree.